सच में यार लीवाइज की ओरिजिनल जैक। एक डेली ब्लॉगर के लिए सबसे चैलेंजिंग काम पता क्या है? जब अपने सिस्टम से आप एक्सटेंडेड हार्ड डिस्क में डाटा ट्रांसफर करते हो, वो सबसे ज्यादा हेडेक वाला काम मुझे लगता है, क्योंकि मेरा पीसी भी इतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मेरे पीसी की इतनी हाई। हाँ, इसमें एसएसडी लगी है 120 GB की किंचन की, बट अगेन आपने लकड़ियों वाली कान की सुनी होगी, जिसमें एकजुट होकर ही बात बनती है, एक चीज़ से कुछ नहीं बनता चल। तो पर कुछ वैसा ही है, 1 TB की हार्ड डिस्क है मेरे पास और मैं अभी जिस में डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एंड जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं अपनी डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिंस जब से मैंने पहला ब्लॉग बनाया है, मैंने एक भी फुटेज डिलीट नहीं की है। तो हैट्स ऑफ टू मी कि मैंने एक भी फुटेज डिलीट नहीं की, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो आई लव माई स्टफ। एनी वेज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग टेरिबली वेल। और ये अभी भी 4 मिनट्स बता रहा है, इतनी देर हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। बाबा रे बाबा, मैं नया पीसी बनवाऊँ या मैक मिनी लूँ? मेरा भाई मेरे को बोलता है कि मैक मिनी पीसी से ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा एडिटिंग में ज़्यादा अच्छा है, और पैसों में भी कम एक्सपेंसिव है। समझ में नहीं आता यार कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा आपसे पूछा जाएगा और आपको बताया भी जाएगा क्या लिया। हो जा, जी जल्दी हो जाए तो फिर मैं एडिटिंग पे लग जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपना पहला ब्लॉग भी नहीं एडिट किया है इससे पहले वाला, और जी हो चुकी है सक्सेसफुल। बाय द वे, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4, और पीछे देख सकते कड़क वाली धूप निकल आई है, और यहाँ पर मैंने अपने इनबिल्ट जो हार्ड डिस्क है पीसी में, उसमें सब क्लियर कर दिया है। अब क्या पता थोड़ा सा अच्छा चले, ये होप फॉर द बेस्ट। और मैं आपको मिलता हूँ अपना ब्लॉग एडिट करके। तो अभी 4 बजे शुरू किया था ब्लॉग करना एडिट, और जस्ट अभी रेंडरिंग पे लगाया ही है, 7 बजने को आ गए हैं, और अब जाके राहत चैन की सांस मिली है। और मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया, मतलब सुबह का खाया था, सॉरी दोपहर का नहीं खाया। ऐसे बैठा नींद आ रही थी शुरू में, तो इतनी नींद आई कि मतलब सो जाऊँ, बट नहीं। और कॉफ़ी भी नहीं पी सकता था, क्योंकि अब करूँ तो करूँ क्या, बट मैंने फिर भी मैंने कहा बोला नहीं, व्लॉग एडिट कर लेते हैं पूरा, उसको 7 बजे तक, तो 7:30 बजे तक डल जाएगा ये व्लॉग, और उसके बाद अगले व्लॉग की टेंशन, बस ऐसी जिंदगी कट जाएगी मुझे लगता है मेरी। बट सो फार सो गुड। और बैठे बैठे एक और नुकसान, जैसे कि आप देख सकते हैं चप्पल टूट गई है हमारी। आखिर करे तो करे क्या, चलो कोई बात नहीं, एक अगर बुरी चीज़ हुई तो अच्छी चीज़ भी हो रही है कि रेंडरिंग बस हमारी जस्ट अबाउट टू एंड है। और पीछे भी आवाज़ आ रही थी खेलने की बच्चों की, इधर गली में, वहाँ पर ना ये, वहाँ पर उस गली में खेलते हैं, मैं देखता हूँ टाइम पास अगर हो जाए, मतलब टाइम पास तो क्या वैसे व्लॉग एंगल तक, मैं मेरे को लगता है जब तक अपलोड वगैरह करूँगा तो तब तक तो शाम हो जाएगी, फिर फैल जाएगा सूरज, फिर क्या फ़ायदा। बाकी अभी मैं ट्राईपॉड लगा कर नहीं कर रहा है, अभी हाथ से कर रहा हूँ। और कहाँ बात 7 बजे की कर रहा था कि मैं 7 बजे तक अपलोड चला जाएगा, और अभी टाइम देखो क्या हो गया है, एंड अब जाकर अपलोड किया है व्लॉग मैंने। कैलकुलेशन बहुत गलत हो रही है आजकल मेरी, इसके भी कुछ करना पड़ेगा। और रात को खेल, जब मैंने बोला मैं वहाँ पर खेलने जाऊँगा, तो वहाँ पर फिर मैं चला भी गया, और वहाँ पर मैच लग गया एक, तो फिर मैं मैच खेलने लग पड़ा वहाँ पर। फिर उसके बाद मेरे को व्लॉग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे थोड़े इतने थे नहीं जिनको मैं कैमरा पकड़ा दूँ, तो आप मैं खेल रहा था। तो फिर उसके बाद मैं आया थक कर घर पर, और खाना खाने को लेट मिला, फिर मैं खाया, फिर मेरा मन नहीं कर रहा व्लॉग करने का, फिर उसके बाद मैं सो गया, और अब उठा हूँ राइट नाउ 9:47 PM, ओह सॉरी AM, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। और आज भी सेम ही है,
बाहर फिर से कड़क धूप निकल गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैंने सब नेचर्स पे छोड़ दिया, जो होगा अच्छे के लिए होगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। और आज हमारी फेवरेट डिश बन रही है, करी। बहुत अच्छी लगती सच्ची। मेरा मन तो दो तीन दिन पहले खाने का था, लेकिन चलो जब बने, जब जागो तब समीर। हो मंदिर के बाद आया मैं ऊपर भी, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया और मेरे स्लीपर्स टूट गए थे, तो मैंने रात को जुड़वा ली थी, ये रात को ही जुड़वा ली थी, कल मैं नहीं गया था जुड़वाने, मम्मी गए थे जुड़वाने, और उसके बाद आया फिर मैं घर पर। अब मेरा लेकिन ना जुड़वाने के बाद वो मतलब ऐसा लग रहा है, कुछ फील हो रहा है कि पैर हल्का हल्का कुछ, तो मेरा मन कर नहीं रहा, मेरे को लग रहा है कि स्लीपर्स लेने पड़ेंगे दूसरे, चलिए वो अलग सी बात है। लेकिन मेरे को याद नहीं ना, याददाश्त जैसी बहुत कमज़ोर हो गई है, और मुझे लगता है इसके लिए मेरे को ये सारी चीज़ें अवॉइड थोड़ी करनी पड़ेगी, फ़ोन वगैरह एडिटिंग ये वो, क्योंकि इस पर इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ब्रेन पर, आपकी आई साइट पर ना, और पता ही नहीं कब एडिटिंग करो, ये करो वो करो, चलो वो तो बात अलग है, मतलब कुछ भी हो जाए कभी भी जब ब्लॉग ख़त्म हो तब, लेकिन वैसे लाइफ में स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि बिना स्केड्यूल के ना लाइफ को पता नहीं चलता कौन इधर इधर क्या हो रहा है ये वो, तो इससे आपकी सब चीज़ें बिगड़ जाती है, कब उठो कब खाना खाना है कब सब वगैरह वगैरह वगैरह। और मुझे लगता है कि अब मुझे स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, और मैं बनाऊंगा भी अब इसको, और मैंने अगर ये ब्लॉग पे बात बोल दी कैमरे के आगे और ये कट भी नहीं होगा तो मतलब बनाऊंगा मैं 100%। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज डालता रहता हूँ। अभी कल मैंने स्टोरी डाली थी कि आस्क मी व्हाटएवर, और उसका कुछ ऐसा रिस्पांस आया है। सबसे पहले तो मेरा बर्थडे 28th of September, हाँ द डे व्हेन आई बिकम पुअर, ठीक है। नेक्स्ट माई फेवरेट वेब सीरीज मनी हाइस्ट, एंड नेक्स्ट माई वॉल पेपर के, एंड देन हाउ गुड यू एट स्टडी, ये थोड़ा ट्रिकी था, सॉरी बट आई डोंट हैव द करेज टू इंसल्ट माई सेल्फ, समझदार को इशारा आ गया होगा, समझ ही गए होंगे आप। योर फेवरेट स्निकर्स, योर फैब स्निकर, my all time favorite air force 1 nike air force 1 white, and your best friend okay your favorite game which makes me relax on that moment, and what are you doing right now editing jab us time pe thoda sa tha, how was your aise bahut hai ऐसे बहुत हैं, और ऐसी चीज़ें देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए KRISHARMA.76 हो जाइए, मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पर, और ऐसी स्टोरीज देखते रहिए, और बहुत भी और भी स्टोरी डाली है मैंने, और अभी थोड़ी सी डालनी है बाकी है मेरे पास क्वेश्चंस। और अभी जैसे खाना खाकर फ्री हुआ था, और यूसुफ का गाना आने वाला है 295, और एज आई सेड इन माई प्रीवियस व्लॉग कि मेरा फेवरेट है सिद्धू मूसे वाला, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग मूसे बाय द वे, एंड द प्रीमियर इज जस्ट अबाउट टू एंड, बट आई एम सो सैड कि मैं आपको नहीं दिखा सकता गाना ड्यू टू सम कॉपीराइट इशूज, बट मेरा बहुत मन था दिखाने का, बट क्या कर सकते हैं, बट ठीक है गाइज मैं आपको सुनकर मिलता हूँ गाना। So I just finished the song, और क्या लिरिक्स है बॉस, सुनिए जाकर, मैंने भी अभी जस्ट फिनिश ही किया सॉन्ग और मज़ा आ गया। 295 सॉन्ग सिद्धू मूसे वाले का, ऑनेस्टली सच बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया लिरिक्स सुन के। और अभी एक मुझे याद आया कि ऊपर एक जैकेट थी पड़ी,
लीवाइज की ओरिजिनल जैकेट है वो। ओ ओ ओ ओ एम जी, मतलब सच में यार लीवाइज की ओरिजिनल जैकेट, मतलब कुछ सोच सकता है कि उसके घर की छत पर लीवाइज की ओरिजिनल जैकेट मिलेगी, वो भी ऐसी पड़ी हुई। मतलब आप दबा भी देख रहे हो, ओफ क्या बात है, मुझे तो सोच कर ही मज़ा आ रहा है कि जब मैं इसको धुलवा कर पहनूंगा क्या फीलिंग आएगी ना, एक नंबर फीलिंग होगी। इसको धुलवाते हैं देन इसको पहनेंगे एंड आपको इसकी फ़ोटोज़ दिख जाएंगी इंस्टाग्राम पर। चक लेना रवि कपड़े ऊपर जरा छोड़ कर आने हैं। ऐसा कुछ नहीं जो हम ना उठा पाए, काम करो काम काम, देख रहे हो आप स्ट्रगल, ऑल द रियल स्ट्रगल। एक हाथ से कैमरा पकड़ो, चलो कोई बात नहीं, चलो घर का भी काम करवाते रहना चाहिए। और बताओ अभी मैं नीचे आया और फिर एक काम मिल गया, चलो कोई बात नहीं, ये भी करो बस आई लग गया। और ये और बन चुका है हमारा शरबत। हो अब खोलूंगा फिर से, रुको मैंने पूरी ढेर हल्का सा। हाँ तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको घर वालों ने काम दिया हो और अगर आप वो कर भी दिया हो, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी घर वाले बोलें कि तेरे को वो काम ढंग का नहीं करना आता, गालियाँ पड़े हैं आपको। मेरे साथ सेम ऐसा हुआ है, मैंने अभी कपड़े रखने गया था ऊपर, कपड़े मैंने रखे नीचे, वो मेरे को मम्मी बोलते हैं कि यहाँ पर रखने नहीं थे, तेरे को ढंग से कोई काम नहीं करना आता, बिना ढंग के कोई काम करते। बस सेम ही है यार सब, चलो कोई बात नहीं, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर लाइफ, बट हम जीते आए हैं, हम जीते हैं और जीते रहेंगे इसके साथ, इसी चीज़ के साथ। सो यहाँ गाइस बस आज के लिए इतना रखते हैं। जैकेट का मैंने बोल दिया है, मम्मी जैकेट धो देंगे तो वो भी पहन के आपको दिखा देंगे, और वैसे उसकी जो फ़ोटोज़ डलेंगी वो मेरे इंस्टाग्राम पर डलेगी, सॉरी। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा KRISHARMA.76 KRISHARMA.76। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। अगर मैं देखता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरा भी रिदम बढ़ाइए थोड़ा, ठीक है। और ये बुलेट वाले कभी नहीं बात आएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम जो बात कर रहे हैं उस पर आते हैं। और इसके अगले आगे का दिनचर्या हम दिखाएंगे अगले व्लॉग में, शुरू हो जाएगा।